अब इस दशहरे में देखिएगा, चलो इस दशहरे में तो बेचारा, ये दशहरा तो कोरोना का दशहरा है, कोरोना नहीं खा लिया, कोरोना का डसा हुआ दशहरा है ये। इस दशहरे में आपने कम नोट किया होगा, मैं पिछले दशहरों की बात करता हूं। दशहरों में क्या देखने जाते हैं लोग, बच्चों को, चलो तुम्हें बड़ा वाला रावण दिखाएंगे, कितने 100 फीट का रावण, रावण का कद बढ़ता ही जा रहा है, और राम ज्यों की त्यों छोटे के छोटे, 5 फीट के राम, राम 5 फीट के और रावण 100 फीट का, फलानी जगह भीड़ लग गई, क्यों, रावण 100 फीट का था। आजकल लोग राम को देखने वाले नहीं है, दशहरा में लोग राम को नहीं देखते, किसे देखते हैं, रावण को। तो ये किसकी पंक्ति में खड़े हैं, ये किसकी पंक्ति में खड़े हैं बता दो, अब आप ही बताओ। एक लाइन राम, आज तक आपने सुना कि राम 50 फीट के, कलयुग में रावण ही बढ़ा है, इस युग में बढ़ा है तो कौन, राम का कद तो ज्यों का त्यों है, 5 फीट 5.5 फीट बढ़ा है तो रावण बढ़ा है। इसलिए जहां रावण का कद बढ़ने लगे उसी को आप कलयुग समझ लीजिएगा, यदि राम का कद बढ़ जाता तो इसे त्रेता युग मान लेते आप। आप किसकी पंक्ति में खड़े हैं, राम की या रावण की। मैं कभी दशहरा देखने नहीं जाता क्योंकि राम तो किसी को दिखते ही नहीं है, दशहरा में बताओ राम दिखते हैं, केवल रावण दिखता है, बताओ सच्ची बात है या बुरी बात है। राम तो मानो भीड़ में कहीं खो गए, दिख रहा है तो केवल रावण दिख रहा है, और बच्चों को बेटा देखो रावण रावण, अरे बच्चों को रावण क्या दिखा रहे हो, रावण तो ऑलरेडी हो ही, रावण तो जो कह रहा है ये रावण, अरे जरा तू भी देख, तू भी तो रावण ही है, तू भी रावण है। रावण के तो 10 सिर थे, पूरे के पूरे बाहर थे, आज का आदमी तो रावण से खतरनाक है। रावण तो सीता को ले जाता है और चोरी करके सीता को अशोक वाटिका में रखता है। सीता आई, राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा में सीता पवित्र थी, अर्थात सीता माता अग्नि परीक्षा में पवित्र निकली, ये राम ने रावण को मार दिया, ये तो राम का बल था, पराक्रम था, पर सीता रावण के घर से पवित्र निकली, ये रावण की मर्यादा थी। हां, अब आज कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने घर ले जाए तो क्या उसे पवित्र छोड़ेगा, प्रश्न ये खड़ा है। तब का रावण तो सीता को टच भी नहीं करता था, तब की सीता तो लंका में भी सुरक्षित थी, और आज की सीता तो गली मोहल्लों में सुरक्षित नहीं है, आज की सीता तो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, आज की सीता तो चलती हुई रोड में, सड़क में, रास्ते में, चौराहों में, अरे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में आज की सीता सुरक्षित नहीं है, तब की सीता कम से कम रावण की लंका में सुरक्षित थी। तो अब ये बताओ कि कौन सा रावण खतरनाक है और पुतला किस के जलने चाहिए, रावण कौन है। बुराइयों का प्रतीक है रावण, बुराइयों पर अच्छाई की विजय, रावण का दहन यही तो है। जरूरत नहीं थी रावण को 100 फीट का बनाने की, जरूरत थी राम को ऊंचा बनाने की, ताकि लोगों की दृष्टि रावण पर नहीं राम पर स्थिर हो जाती, ताकि लोगों की निगाहें रावण से हटकर राम पर केंद्रित हो जाती, पर रावण ऊंचा कर दिया तो लोगों की निगाहें वहीं जाकर ठहरती हैं जो ऊंचा होता है। अब देख लीजिए आप, यही दशहरा है, इसकी हमें शुभकामनाएं देनी पड़ती हैं आपको, इसलिए अपने भीतर के राम को जगाइए। और आप रावण की पंक्ति में नहीं, आज भी रावण है, आज भी राम है, आज भी मेरे साथ झूठ बोलने वाले लोग भी हैं और सच बोलने वाले, अब मुझे निर्णय करना है कि मुझे किसके साथ खड़े होना, मतलब राम रावण आज भी हैं,
अर्जुन दुर्योधन आज भी हैं, आज भी अच्छाई और बुराई है, आप अपने आप को कहां रख रहे हैं वो थोड़ा सा आप विचार कर लीजिएगा। यही विचार करने की क्षमताएं आ जाएं तो आप अच्छे हो जाएंगे, और यही विचार करने के लिए तो प्रेरित करती है भागवत। भागवत लोग क्यों सुनते हैं? प्रेरित होने के लिए। आपको सही शिक्षा सही ज्ञान इस भागवत के माध्यम से मिलेगा, और कहां मिलने वाला है, कौन देने वाला है, किसे पड़ी है तुम्हें ज्ञान की, आपके कल्याण की किसे पड़ी है, सबको अपना अपना चल रहा है। इसलिए सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अपने आप को अच्छे लोगों के साइड खड़े कर दीजिएगा। मैं राम तो नहीं बन सकता, पर राम की सेना में बंदर भालुओं की तरह जुड़ तो सकता हूं। मैंने कब कहा कि आप राम बन जाओ? राम को आए, युग बीत गए, उनके बाद कोई दूसरा राम पैदा हुआ नहीं। इसलिए अपने आप को राम ना बनाए, अपने आप को राम की सेना में खड़ा कर दें। बस मैं किसका हूं? जोर से बोलो, मैं किसका हूं? हनुमान जी से पूछा गया, आप कौन हैं, किसके हैं? मैं राम का सेवक हूं और मैं राम दूत, मैं मातु जानकी। हनुमान जी का परिचय सुनिएगा, कौन है हनुमान जी? राम दूत, मैं कौन हूं? मैं राम का दूत हूं, मैं राम का हूं। क्या आप ये बात कह सकते हैं कि मैं राम का हूं? यदि कह सकते हैं तो आप बढ़िया सुन रहे हैं।